मेरा नाम देवनंदन शाह है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, घर मुरलीगंज है, वार्ड नंबर 7। मैं प्रोस्टेट का पेशेंट हूँ। प्रोस्टेट के पेशेंट के लिए सबसे पहले हम पूर्णिया में ही चंपा देवी भी आए हुए थे, इसके बाद पटना भी गए थे। साल भर 1.5 साल तक पटना में भी इलाज चला था, बाद में किसी परेशानी कारण पटना में नहीं जा सके। विजय राघवन के यहाँ इसके पहले 2-4 साल पहले भी आए थे, प्रोस्टेट की मात्रा ज़्यादा थी, तो 6 माह खाने के बाद प्रोस्टेट का मात्रा जो है नीचे आ गया था। फिर मैं 4 साल तक कोई इलाज नहीं करवाया, इधर फिर 3 महीने, ये 3रा महीना है फिर हम इलाज करवा रहे हैं। प्रोस्टेट में सुधार है, पेशाब तो जल्दी जल्दी होता है, लेकिन धारा जो है ना पेशाब का, वह पहले की अपेक्षा तीव्र गति है। और इस दवा का सेवन करने से बीमारी तो दूर होता ही है और लोगों की आयु भी बढ़ती है। जैसा कि चर्चा से स्पष्ट होता है कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन जो है ना सही निदान नहीं है, और जो लोग ऑपरेशन करवाते हैं उनको अपना प्रोस्टेट बढ़ जाता है। जैसे मेरे बहुत से रिलेशन के लोग थे, उससे मैंने संपर्क किया और इन सारी बातों को दिमाग में रख कर के मैं डॉक्टर विजय राघवन के यहाँ दोबारा आकर के 2 महीने का इलाज का 2 महीने तक दवाई खा चुका हूँ, 3रे महीने का दवाई आज लेने आया हूँ। इसके लिए हम तो डॉक्टर साहब को कहेंगे, डॉक्टर विजय कुमार राघवन को, कि आप सही में धन्यवाद के पात्र हैं, और उम्र में शायद हम आपसे बड़े, उनसे बड़े होंगे तो हम उनको धन्यवाद भी दे सकते हैं। और यही कहेंगे कि अधिक से अधिक रोगों का जो है ना सही इलाज करके उसको जीवन धारा में जोड़ने का प्रयास कीजिए, अपने परिवार का वह बोझ नहीं बने। बुढ़ापे में लोग दूसरे के आश्रित हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो, यही मेरी विजय राघवन, डॉक्टर विजय राघवन से मेरी कामना है।